तो गाइस क्या करने वाले हम इतने सारे ऑडियोज का क्या हो? इसको करा वो डांस, इसको करा इसकी हालत देखो क्या कर दी है, लद्दाख में लिया था। अगर जगह नहीं रखते ना तो हाईवे पे काम चलेगा तो जाम तो लगेगा ही भाई। देखो इसको हॉस्टल में फेंक दिया था तो बोला कर हॉस्टल में छोड़ते इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल यात्रा विद योगी व्लॉग्स। दिन हो या रात यात्रा करेंगे साथ। सो गाइस सबसे पहले तो हर हर महादेव, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई आज है संडे, और संडे मतलब फंडे, अपना फन नहीं हो रहा यार, क्या करें। यार मम्मी बिजी है तो मैं जा नहीं पा रहा कहीं ज़्यादा देर के लिए, बिकॉज ऐसा रहता है ना कि अब दादी घर में है तो मम्मी हमें कोई चलते हैं। ये कमरे की सफाई, थोड़ा सा कमरा साफ करता हूँ, देखो कितना मैसी मैसी सा हो गया है। कमरे को साफ करता हूँ हाँ, तो देखो मेरे लिए यही सफाई है। मैंने चादर उठा दी है, अपने चार्जर साइड में रख लिया है, जूते उठाऊंगा तो मेरे लिए सफाई है, बाकी सफाई मम्मी कर लेंगे। यार मम्मी, मेरी मम्मी कर लेती है मेरे लिए, मतलब मैं भी कर लेता हूँ, पर ठीक है मम्मी कर लेंगे। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। ओए उदास क्यों, कितनी शरारत आज की बंद करके रखा हो तेरे को है? कितना मासूम लग रहा है। जोई डांस करा रहे तेरे से वंशु, ये वंशु देखो, वंशु डांस करा रहे तेरे से। इसको करा बोल डांस, इसको करा इसकी हालत देखो क्या कर दी है। लद्दाख में लिया था हमने, इसकी नाक नुक निकाल दी है। तो गाइस आ गया हूँ मैं गाड़ी में। गेस्ट और पता है, हम जिप्सी नहीं ले जा रहे, जिप्सी देखो आ गई है, और इसका रीजन ये है ना, अभी आगे खड़ी है तो मेरा मतलब है पहले एक गाड़ी निकालो फिर दूसरी निकालो, इससे अच्छा तो ऑल्टो में टाइम से छोड़ के भी आ जाऊंगा, और ऊपर से तेल का तेल बचा रहेगा। अपनी जिप्सी का तेल क्यों फूकूं, मम्मी से लूंगा बढ़िया, इसमें भरवा दूंगा मम्मी से 500 रुपये लेके, बोलना भर दो मम्मी तेल, आप ही चलाते हैं गाड़ी, आपके काम के लिए जाता हूँ मैं। अभी भी सोच ले कुछ भूला तो नहीं है, पक्का बता दे। पक्का भूल रहे कुछ है भाई, ये भूल जाता है बंदा। पहले भी जितनी बार छोड़ने गया हूँ ना मैं वंशु को, अभी ये 10th क्लास में है पर भूलता है, ऐसा ही जैसे कॉलेज में है। हम लोग भी यार ऐसे ही थे, पर हम लोग जाते ही बड़ा कम थे स्कूल का, भी ऐसा मतलब हम 10वीं में भी स्कूल बड़ा कम जाते थे, बंक वगैरह मारे यार बहुत वगैरह चीज़ें चलती थी अपनी। तो अभी क्या क्या लेना है पहले तो खाने का सामान, रिलायंस स्मार्ट ले चलता हूँ तेरे को। हाँ हाँ, तो पहुँच गए गाइस, ये मेरे घर के ना 100 मीटर के अराउंड में ये रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। अब इसको सिर्फ ऑडियो नहीं चाहिए, पता नहीं कौन सा बिस्किट चाहिए, हाइड एंड सीक। इतने बिस्किट नहीं खाने हुए, दांत सड़ जाएंगे जैसे मेरे भी सड़ गए। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा इसमें मेरे सड़ गए हुए दांत, देखो भाई हॉस्टल से कितनी बड़ी लिस्ट आती है। हॉस्टल नहीं मैं रहा हूँ ना, ले 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 तू ढूंढ, तू ढूंढ। चौबीस ऑडियो डालते जाओ डालते जाओ। तो गाइस क्या करने वाले हम इतने सारे ऑडियोज का, क्या होगा इतने सारे ऑडियो के साथ इतने सारे, कम से कम 50 ऑडियो लेने वाला है बंदा, मेरे को लग रहा है। कितने 53 ऑडियो लिए तूने ना, 53 ऑडियो और बाकी गाइस आज जैसे संडे है तो देख लो कोई जाम है नहीं, नीला आसमान है, बस गर्मी थोड़ी ज्यादा है, पर दिन में 2-3 बजे के बाद वो भी कम हो जाती है। जाम जाम जाम, ये किस चीज का? अच्छा एक तो यार ये ना कंस्ट्रक्शन भी, रोडों पे कंस्ट्रक्शन लगा होता है ना, इस करके कितना जाम लग जाता है।
ओ चलो जल्दी हो। क्या करे भाई, लोगों को जब घर बनाने चाहिए ना उस टाइम बनाने चाहिए देख के। क्योंकि अगर जगह नहीं रखते ना तो हाईवे पे काम चलेगा तो जाम तो लगेगा ही भाई। देखो ऑटो आदि जानवी। जी तो पहुंच गए हम लोग वंशु के स्कूल जो दो जी दो। जितने ये बिस्किट ले जा रहे इतने तो मैंने पूरे स्कूल टाइम में नहीं खाए होंगे यार। अभी इसके अकेले के नहीं है बोल रहा है, पर सच में इतने बिस्किट तो स्कूल टाइम में नहीं। अब यार हॉस्टल में होता होगा, हॉस्टल में रहा नहीं हूँ आज तक। हॉस्टल से अच्छा मतलब मैंने फ्लैट में ही रहा हूँ, और कॉलेज वो भी पूरा फिर क्या बताऊँ। कॉलेज की स्टोरी तो छोड़ो, कॉलेज की नहीं बता सकता। कॉलेज पूरा हुआ कैसे हुआ, नहीं हुआ कैसे नहीं हुआ। जो हर नवोदय विद्यालय बदरो और स्कूल तो यार इनका प्यारा है वंशु का। तेरे को मजा आता है हॉस्टल आके वापस की नहीं आता? हाँ आता, पहले नहीं आता रहा बात। अब तेरे को क्या स्कूल में रहने का मन करता है? और ना नवोदय स्कूल की एक बात बताऊं मैं, जो सही है इनको छोड़ने आओ ना पूरा चेकिंग चुकिंग और एंट्री वगैरह करके आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं, तो मैं तो इसको अभी तक ऐसे ही छोड़ के आ जाता था। चल वंशु निकल गाड़ी से तो जा स्कूल, ऐसे नहीं है पर आपको खुद आना पड़ता है अंदर पूरा। सही है मैप सो स्कूल तो सुंदर है यार, तुम्हारा कुछ भी बोलो प्यारा सा ऐसा है। कितना हमारा पूरा स्कूल है उतना ग्राउंड होता है पंजाब का। हाँ समझ गया, 20 लाख वहाँ जगह ही जगह है ना पंजाब में। हाँ जलंधर गया था ना, वहाँ के ग्राउंड है मतलब स्कूल से बड़े हैं, पूरे स्कूल से बड़े ग्राउंड ही। ओके ओके। और वो देख लो गाइस ब्यास, बिल्कुल ब्यास के साथ लगता है स्कूल। चलो अब इसको छोड़ देता हूँ मैं, इसको हॉस्टल में फेंक के आ जाता हूँ। मजाक करो, हॉस्टल में छोड़ते इसको, उसके बाद साइन सुन करके अपना निकल जाते हैं जल्दी से। हाँ तो गाइस मैंने छोड़ दिया है वंशु को। और यार ये गोप्रो का भी ना देखो मेरे से गिरा ना, कौन बोलता है गोप्रो नहीं टूटता है, मेरा तो भाई टूट गया। देखो यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है आपको क्रैक, पता नहीं ऐसे तो मैंने सुना कि गोप्रो तो बोलते हैं कि भाई आप लोग प्लेन से ही फेंको तब भी नहीं टूटता, मेरा तो जिप्सी में पड़े पड़े ही टूट गया, और गिरा भी जिप्सी में इधर उधर बार बार। यार एक तो मैं सोच रहा हूँ आगे जाऊँ गाड़ी के जिप्सी के लिए सीट कवर पता करने, पर आज संडे भी है शॉप बंद हुई कहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, लोग कंफ्यूजन है क्या किया जाए। चलो यार कल देखेंगे जिप्सी लेके आएंगे, उस टाइम काम ही करवा देंगे, फिर नहीं देखेंगे कि संडे मंडे, कल या परसों लेके आऊँगा जिप्सी। अब चलते हैं वापस। गाइज तो ऑन द वे अभी ना मिंक पे वगैरह मिल गए थे, तो भाई वगैरह के साथ बैठा है यार यहाँ पे आधा एक घंटा, थोड़ा सा कुछ प्लान तो डिस्कस कर रहे थे अपने, और उसके बाद निकल गए। आधा पौना घंटा लग गया यार यहाँ पे भी। बाकी इस टाइम ना जैसे ये ना सूरज सनसेट के लिए पहुँचने को लगता है ना भाई, इस साले हाईवे पे बहुत तेज़ धूप बचती है, बहुत ज़्यादा तेज़। अब देख लो पहाड़ों का मौसम भी भाई गर्मी देने लगा है, हिल स्टेशन नहीं हीट स्टेशन। आने वाले टाइम में 4-5 साल में ऐसे ही बोलना पड़ेगा भाई हीट स्टेशन हो गए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की ना धूप भी बहुत तेज होती है। अगर आप देखेंगे दिल्ली वगैरह के, क्योंकि वहाँ पे कोहरा रहता है, पॉल्यूशन भी है, धूप तो आती है पर वैसी तीखी नहीं बचती है, पर पहाड़ों की धूप भाई बहुत तीखी बचती है। लाइक आप हाइट पे हो और प्योर सनरेज नहीं बोलते प्योर, बिल्कुल सीधा एकदम थप्पड़ की तरह बचती है। Thank you.
देखो रेस लगी है भाई दो साइकिल वालों के। लो तो गाइस बिल्कुल सेम स्पॉट पे हम लोग वापस पहुंच गए हैं। और मैंने एक चीज जो मैं भूल गया हूँ करनी, मैं तेल बनाना भूल गया हूँ। मम्मी बनाएंगे कल, देखी जाएगी। बाकी यार गर्मी बहुत है, टाइम भी कितना है यार, 3 बज गए हुए हैं।